हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी यहाँ पे सब ठीक हैं और सभी को मेरा नमस्ते एंड हैप्पी भाई दूज। तो आज एक्चुअली मेरे फ्रेंड मुझसे मिलने आ रहे हैं, सो जाना मुझे था लेकिन मैंने कहा तुम आ जाओ और जो आने जाने में टाइम बर्बाद होता वो मैंने सोचा अपनी कुकिंग में मुझे यूज़ करना चाहिए। तो आज मैंने पूछा था कि क्या खाना है, तो हिज फेवरेट इज़ शाही पनीर और दाल मखनी बनाएंगे आज, और मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मैंने आज अपनी शाही पनीर बनाई है। तो सबसे पहले मैंने अनियन चॉप करके रख लिया है और यहाँ पे चार टमाटर एंड चार अनियन रखे हुए हैं पील करके। सो एक्चुअली ये सारा अनियन नहीं डालूंगी, थोड़ा सा मैंने दाल मखनी के लिए और थोड़ा सा ग्रेवी बनाने के लिए शाही पनीर के लिए। तो आप देखते हैं कैसे कैसे करते हैं। कैमरे की सेटिंग यहाँ से हो सकता है फ्रेंड्स आप लोगों को दिखे ना, लेकिन पर मेरी पूरी कोशिश है। अब यहाँ पे मैंने पैन रख लिया है, और मैंने खड़े मसाले में दालचीनी, जायफल, जावित्री, चार इलायची छोटी वाली और एक सूखी इलायची बड़ी वाली, थोड़ी सी लौंग, दो तीन चार पाँच छ सात आठ लौंग, देन काली मिर्च नहीं है, तेज़पत्ता मेरे पास नहीं है तो हम तेज़पत्ता नहीं डालेंगे, लेकिन अगर आप लोगों के पास तेज़पत्ता हो तो आप लोग तेज़पत्ता ज़रूर डालिए। और हम हरी मिर्च अब पैन गर्म हो गया, इसमें हल्का सा ऑयल डालते हैं। अगर आपके पास घी है और आप घी में खाते हैं तो आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। पांच बड़ी वाली हरी मिर्च, बाकी अगर किसी को बहुत ज़्यादा तेज़ है तो वो तेज़ खाना पसंद है तो आप उसमें और ज़्यादा डाल सकते हैं। जीरा, एक चीज मिसिंग है इसमें, पेपर, सारे मसाले अलग अलग करके रखे हुए हैं तो इसमें वो नहीं है, बट थोड़ा सा मुझे निकालते हैं। ज्यादा नहीं, दस छोटे छोटे काली मिर्च के दाने साबुत, ये सारा साबुत मसाला फ्रेंड्स, तो आप देख लेना थोड़ा सा ध्यान से, ज़्यादा ना लगे क्योंकि बहुत ज़्यादा भी तेज हो जाता है। सिंपल तरीके से बनाएंगे, बहुत इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। साथ में आपकी चाय भी पीते जा रहे हैं, एज यूजुअल मेरी की चाय पसंद है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने डाल दिया है इसमें सब कुछ, तो अभी हम इसको हल्का हल्का थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करते हैं। अच्छे से मैं आने लगी हूँ वैसे। अब इसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं और गोल्डन ब्राउन होने देते हैं,
तब तक हम यहाँ पे अपने जो अनियन है ये रेस्ट दाल मखनी के लिए इसको हम चॉप कर लेंगे। अब ये ठंडा हो गया फ्रेंड्स, इसको ना मैं प्लेट में डाल रही हूँ क्योंकि मुझे पैन चाहिए, उसमें दाल मखनी का जो तड़का है उसको सबसे इजी आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है कि यही है, बाकी वैसे जब आप बनाओगे तो आपको भी लगेगा और काफ़ी उन्हें तो बनाया भी होगा पता नहीं। अब ये ठंडा होने के लिए इसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, तब तक अपना दाल मखनी का जो भी मटेरियल है उसको मैं प्रिपेयर कर देती हूँ। कर लिया है हमने बस, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी ये हल्का ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें अपने चॉप किए हुए अनियन टमाटो प्लस ग्रीन चिली डालेंगे, मसाला भी नहीं डालेंगे अभी, इसको बस सौते करना है हल्का हल्का ग्रेवी बनाने के लिए, और ज़्यादा नहीं, बस 2 से 5 मिनट। अब इसमें हम डालेंगे काजू एंड किशमिश। फ्रेंड्स इसमें हमने मूंगफली काजू और किशमिश भी डाला है और अब इसको हल्का लाइट ब्राउन मतलब हो गया है, थोड़ी देर अब इसको बंद कर देंगे और जब तक ये ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद फिर हम इसको जार में ग्राइंड करेंगे। और यहाँ पे दाल मखनी के लिए अनियन कटने स्टार्ट हो गए हैं, फिर वो भी। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अब हो गया नेक्स्ट डे और यानी कि भाई दूज का, तो अब हम भाई दूज सेलिब्रेट करेंगे, पता चला है अभी नरू मेकअप में। तो छोटी वाली सिस्टर को स्कूल जाना था, वो सुबह 6:30 बजे करके जा चुकी है। हमारे यहाँ भ्राताश्री बैठ चुके हैं, तो अब हमारा कार्यक्रम स्टार्ट होगा। माता जी हमारी वीडियो बनाएंगे। अब मम्मी कितने उठन हल जाए हगो ने एक आगो उदे लिखी बन मह ये वजन मशीनों में पूजा करने के लिए लगाया, एक से भी नहीं उठाया मैंने, बनाया सी ये नहीं, छोटा है। इन्हें दे वीडियो बनावा थोड़ा सा मोमन लगा ले अभी। पहले खुद को लगाते हैं टीका कभी भी। ये मेरी राखी है पापा, ये मैंने लंदन में खरीदी थी रक्षाबंधन वाले दिन मुकुल के लिए, तो आज हम इसको भी मांगेंगे क्योंकि इसने पेटीएम कर दिया था मुझे ऑलरेडी, राखी नहीं आ पाई। और सबसे अच्छी बात है कि मुकुल का नाम भी मनमोहन सिंह है और राखी भी मोहन की मिली है, अम्मा ने ऐसा लगी इस राखी में। मैं तो एक भी पोस्ट नहीं करना थी आपको,
हो। गिफ्ट के नाम पे हमेशा की तरह हमारे घर का एक रिचुअल है कि हमारा भाई हमें कुछ नहीं देता, जो हमें देता है और वो शाम को हमसे ले लिया जाता है, तो इसलिए हमें कोई इस बात का संकोच बिल्कुल भी नहीं है। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। ये बता दो कि क्या नाम है, डाइट की खिचड़ी खाते हुए मुकुल अपनी। अच्छा, क्या लिया है आपने अपनी दोनों बहनों के लिए? ऑर्डर कर दिया है मुकुल, ये हमेशा की तरह है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा डिले हम हर साल की तरह करते हैं, डिलीवरी बॉय उनके हमारे एरिया में घुसते ही खो जाते हैं, एड्रेस नहीं मिल पाता है। ये कंप्लेन करेंगे हम अमेज़न ऑर्डर से। तुमने कुछ लिया भी है कि आमी? मैंने लिया है, बहुत भी नहीं लिया है फ्रेंड्स, और कोई भी नहीं है। अगर गिफ्ट मिल गया तो ठीक है, वरना मुझे तो कोई खैर उम्मीद नहीं है। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं, ये तो एक छोटी मोटी नोकझोंक चलती रहती है। लेकिन आप सबको भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अच्छे से अपने त्यौहार इन्जॉय करें। आई होप आपने करे भी होंगे, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।